गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल सब्ट्रैक्टर। आई होप आप लोगों ने हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा हो और आपको समझ में आया हो। बच्चों, जो डिफरेंस हाफ एडर और फुल एडर में है, वही डिफरेंस हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर में है। मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर में दो बिट्स हमारी एज इनपुट जाती हैं और दो बिट्स का ही हमारा आउटपुट आता है, डिफरेंस और बोरो। ठीक है, फुल सब्ट्रैक्टर में हमारी तीन बिट्स एज इनपुट जाती हैं, ए बी और बी इन, ये हमारा बोरो इन है जो हमारा थर्ड इनपुट है, और दो हमारे आउटपुट होते हैं सेम, डिफरेंस और बोरो। ये हो गया हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ एडर में क्या था, दो इनपुट्स थे दो आउटपुट्स थे, और फुल एडर में तीन इनपुट्स थे दो आउटपुट थे। इसी तरह से हाफ सब्ट्रैक्टर में दो इनपुट्स हैं दो आउटपुट्स हैं, फुल सब्ट्रैक्टर में तीन इनपुट्स हैं दो आउटपुट्स हैं। बच्चों, आउटपुट हमारा वही रहेगा, बस हमारे इनपुट हमारे दो से तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फुल सब्ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल और एक्सप्रेशन, फिर उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलिए तो फुल सब्ट्रैक्टर में मैंने आपको बताया तीन इनपुट्स हैं हमारे, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ए बी और बी इन। तो हमारे देखिए बच्चों कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आठ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो वन वन, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो और वन वन वन। ठीक है, ये हमारे आठ कॉम्बिनेशंस बन गए। अब देखिए इसका हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो बच्चों माइनस ध्यान से कीजिएगा क्योंकि तीन बिट्स हैं तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस और बोरो दो हमारे आउटपुट्स हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, अगेन ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो। क्या हमने कुछ बोरो लिया, नहीं लिया। ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस वन इज वन, बोरो वन। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी हमारा सिंगल वन आता है वहाँ पे हमारा हमेशा बोरो वन आएगा। जब भी आप ज़ीरो को वन में से ज़ीरो में से वन माइनस करेंगे तो हमेशा बोरो वन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ज़ीरो माइनस वन वन और वन माइनस ज़ीरो इज वन। यहाँ पे हमने एक बोरो लिया था, वही बोरो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। ज़ीरो माइनस वन इज वन, वन माइनस वन इज ज़ीरो, बोरो यहाँ का बोरो। वन माइनस ज़ीरो इज वन, वन माइनस ज़ीरो इज वन, बोरो नहीं लिया। वन माइनस ज़ीरो इज वन एंड वन माइनस वन इज ज़ीरो विद नो बोरो। वन माइनस वन इज ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो विद नो बोरो। वन माइनस वन इज ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन इज वन विद वन बोरो। तो ये बन गया हमारा डिफरेंस का और ये बन गया हमारा बोरो का। अब देखिए डिफरेंस की जब हम इक्वेशन निकालेंगे, एक दो तीन और चार, ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों, अगर आपको फुल एडर याद हो तो फुल एडर में भी यहीं पर ही वन आए थे, तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई थी सम की, वो इक्वेशन एंड में जाके जो हमने कैलकुलेट की थी वो आ गई थी हमारी एज और बीज और सी। बच्चों इसे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, आप उसे सॉल्व करके देखिएगा, सेम स्टेप्स हैं सॉल्व करने वाले जैसे हमारे फुल एडर में थे। तो इसकी इक्वेशन आएगी देखिए डिफरेंस की, पहले मैं इस वाले की अगर लूँ तो डिफरेंस की इस वाले के लिए इक्वेशन आएगी ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस इस वाले के लिए इक्वेशन आएगी ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस इस वाले के लिए इक्वेशन आएगी ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस इसके लिए इक्वेशन आएगी ए बी और सी, ए बी और सी।
बच्चों इसको आप कॉमन लेके फुल एडर वाले तरीके से सॉल्व कीजिएगा, इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा ए जोर बी जोर सी। प्लीज़ करके देखिएगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो डी की इक्वेशन हमारी आ गई ए जोर बी जोर सी या बी इन, आप उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। अब बनाते हैं बोरो की इक्वेशन। बच्चों बहुत ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। चलिए पहला वन लेके चलते हैं, ये वाला, ठीक है। ए बार बी बार बी इन, ए बार बी बार बी इन, इसको आप सी भी कर सकते हैं, सी लेके भी बना सकते हैं, बाद में बी इन कर दीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड ये वाली इक्वेशन, ए बार बी सी बार, बी सी बार, सॉरी बी इन बार प्लस। थर्ड ए बार बी बी इन, ए बार बी बी इन प्लस। लास्ट ए बी बी इन, ए बी बी इन। ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे हमारा डिफरेंस में या फुल एडर के सम में आया था कि ए बार ए जोर बी जोर सी बनेगा या आपको कोई छोटी एक्सप्रेशन बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ कुछ टर्म्स इसमें से कट शॉर्ट हो जाएंगी तो आपकी जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो छोटा बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गेट मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता है। कोशिश करूँगी कि काफ़ी हद तक ये मिनिमाइज हो जाए ताकि बनाने में हमें आसानी रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा था ए बार बी इन प्लस ए बार बी बी इन का बार प्लस ए बार बी बी इन प्लस ए बी और बी इन। आप इसमें बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों में ही कॉमन लेंगे और इन दोनों में ही कॉमन लेंगे, आपको इन चारों टर्म्स में जिन भी दो टर्म्स या तीन टर्म्स में कॉमन आ रहा है आप उनको इकट्ठा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें और इसमें आ रहा है या इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है तो आप उनको भी साथ में ले सकते हैं अगर कॉमन आ रहा है और कट रहा है कुछ तो, ठीक है। चलिए इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो ए बार कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो ए बार कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारा बी बार बी इन प्लस ए बार भर ले लिया मैंने बी बी इन का बार, समझ में आया। ए बार कॉमन ले लिया तो अंदर बी बार बी इन बचा, यहाँ पे ए बार कॉमन ले लिया तो बी बी इन बार बचा प्लस। आप देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी बी इन, इसमें भी बी बी इन है इसमें भी बी बी इन, तो इसका हम ले लेंगे बी बी इन को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा ए बार प्लस ए, ए बार प्लस ए। तो देखो ध्यान से देखिएगा ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बी इन को सी मान लूँ तो ये बन जाएगा बी बार सी प्लस बी सी बार, जोर गेट बन गया हमारा, और यहाँ पे ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखिए ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा ए बार, और ये बन गया हमारा जोर ऑफ बी एंड बी इन, बी और बी इन का जोर, और ये क्या बन गया प्लस बी बी इन, ये बन गया हमारा बी डॉट बी इन। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन आ गई डिफरेंस की, सॉरी बोरो की, फुल सब्सट्रैक्टर के बोरो की। अब इसे अगर हमें लॉजिक सर्किट इसका बनाना हो या सर्किट डायग्राम पे इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए बी और बी इन, ए बी और बी इन, और ये इनका नेगेशन, ठीक है।
अब देखिए डिफरेंस क्या था, तीनों का जोर, तो पहले दो का जोर करेंगे और फिर उसके बाद उसको तीसरे के साथ जोर कर लेंगे। ये तो बन गया मेरा डिफरेंस। अब आई बात बोरो की। अब बोरो में देखिए क्या हो रहा है, ए बार और बी इन का बार, बी ए और बी इन का जोर, तो ए बार यानी कि यहाँ पे और बी इन का जोर। तो पहले हम एक काम करते हैं, बी सॉरी यहाँ से नहीं यहाँ से, बी और बी इन का, ये बी इन है ये वाला, ये बी इन है, इनका हम जोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको हमें एंड करना है ए के साथ, सॉरी ए बार के साथ। तो ये ले लिया मैंने ए बार और इसके साथ मैंने इसका एंड गेट बना दिया, ये वाला हो गया हमारा पार्ट, इसको रब कर देते हैं। और दूसरा हमारा बनेगा बी और बी इन, बी यानी कि ये वाला और बी इन यानी कि ये वाला। बच्चा देखो इन में भी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये इसमें भी हमारा एंड गेट लगेगा, ये देखिए ये और ये, इसको हम यहीं तक लेके जाएंगे ताकि दोनों गेट्स बराबर आ जाएं, ये और इन दोनों में यहाँ पे लग जाएगा हमारा और गेट, ये हो गया हमारा बोरो। बहुत सारे साइट्स में या बहुत सारे वीडियोस में आपको इसमें दूसरी तरीके से भी मिल जाएगा, जिसमें कि ये जोर गेट उन्होंने नहीं लिया हुआ है, वो भी तरीका सही है, लेकिन हमने इसको कट शॉर्ट करके और मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी है, तो ये भी तरीका सही है। तो ये आपका लॉजिक सर्किट बन गया है फुल सब्ट्रैक्टर का। अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मल्टीप्लेक्सर्स का, तो देखते रहिए। और शॉर्ट वीडियोस भी कुछ अपलोड किए हैं जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, और कोशिश करूँगी गेट के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, वो हैं वो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।